Hi, welcome to a very special mystery box with Mama. Now, Deshna had also shopped, लेकिन वो अभी unfortunately बीमार है, तो Mama is going to do the reveal. हम लोग गए थे Pune और हमारी team है birthday trip होने वाली है Goa, so उसको ध्यान में रखते हुए mystery box बनाया है. Ooh, I'm excited because मैंने birthday shopping कुछ की नहीं and birthday month is here. पहले देखते हैं कि इन्होंने shopping कैसे की. Hi, so we are doing part 3 of the mystery box, but we have auntie today. फर्स्ट मिस्ट्री बॉक्स, सो खुश तो बहुत ही हूँ क्योंकि हेली को पसंद नहीं आया तो मुझे आ जाएगा. वी हैव अ थीम ऑल्सो, बट हम इंट्रो में बताएंगे. ओके, सो वी हैव कम दिस टाइम टू पुणे, अ न्यू सिटी, एंड लेट्स सी हाउ वेल वी कैन डू इट. तो फर्स्ट आइटम है हमारी क्रोशे मटेरियल है. इज दिस अ टॉप? इट फील्स लाइक अ टॉप. नो, ओ इट्स अ बीच कवर अप. ये मेरे लाइफ का फर्स्ट बीच कवर अप है. आई डोंट नो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं टू वेयर दिस डायरेक्टली बिकिनी के ऊपर, तो शायद अंदर कैमिसोल के साथ भी पहन सकते हैं, बट ओके, दिस इज गोवा. इसमें नीचे भी काफी अच्छा काम है, बड़े फ्लावर्स भी है, छोटे लीव्स भी है नीचे, दिस थ्री डिफरेंट टेक्सचर्स, तो दिस Great start to the video. अच्छा, comment and tell me, do you remember मेरा ये वाला top? If you're an OG mystery box follower, then you will remember this. Comment करके बताना. So second item है, this is beautiful dress. Dress? Yes. Now first, don't open your eyes. Guess करो कौन सा color होगा? White तो हो गया. ये कोई bright color होगा. So this can either be green में बहुत ट्रेंड कर रहा है, या ब्लू जो हमने पहना वो वाला, या येलो भी हो सकता है क्योंकि हमारा फेवरेट कलर है. Am I right? इन तीनों में से कोई है? Yes. Oh, it's yellow. Ooh, ये तो टॉप है मम्मा, ड्रेस नहीं है. Yes, yes. Oh, wow. Okay. मुझे ये टाइम लग रहा है टू फिगर आउट कि इसकी पट्टा पट्टी कैसे होगी. Got it. So आगे से ऐसे है एंड पीछे से कितनी डीप एंड wow. I love this. Especially just ये टी स्ट्रैप टाइप्स है ना, राइट, वो बहुत मस्त है. ये कितने में मिला था? 150. That's amazing. I think जब दोनों डी डी इकट्ठा था ना, देशना और दिव्या, दे रॉक. मिस यू देशना. उसका टेक्सचर कितना डिफरेंट है, ये बहुत सारी स्ट्रिंग्स है. Is this a home decor dream catcher types कुछ है? Yes. It's a necklace. Wow, कितना बोहो है ये. So anything deep neckline उसके साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है, बट दिस इज वेरी आउट देयर, एकदम हटके स्टाइल. सो आई थिंक मम्मा ज्यादा एंजॉय करेगी, इवन विथ हर शर्ट जो अभी पहन के रखा है, ये काफी अच्छा लग सकता है. वाओ, सो डिफरेंट. नाउ दिस इज यूनिक, जो मुंबई दिल्ली दोनों मैंने देखा था. व्हाट्स नेक्स्ट? अब इस बार तो असली वाली बर्थडे फीलिंग है मिस्ट्री बॉक्स में. चश्मा, सनग्लासेस होगा, बट व्हाट शेप इज दिस? रेक्टेंगुलर टाइप्स लग रहा है ये. व्हाट, दिस इज सो डिफरेंट. I've never seen ये शेप. Oh my god. This is yellow because of that yellow top. बहुत अच्छा लगेगा, even white के साथ में भी बहुत अच्छा लगेगा. So vintage, even with blue it's looking good यार. बहुत हटके, बहुत हटके. Loved this. Okay, next. What is this now? Earrings ही लग रही है, because two of the same things and they have beads. Oh, it's a pineapple. इसपे छोटे छोटे बीड्स हैं, but there's also big gemstones in this. दिल्ली में these were expensive, like I remember 250-300 के मिलते थे, यहाँ कितने के मिलेंगे? 100. Just 100 rupees. Damn killer, damn killer. Is this a necklace? But ये बहुत छोटा लग रहा है. Even for a choker, this is very small. What is this? Bracelet. What? This is very unique. बहुत बहुत पसंद है. ये मैग्नेट पे है. काफी बोहो है ये. Oh my god, so एक डायमंड की स्ट्राइप है, एक क्रोशे है, एक पे ऐसे रॉक्स है, बट विल दिस फिट मी? वैसे तो मेरी कलाई काफी छोटी है, तो आ तो जाना चाहिए. ओ इजिली, वाओ, किसी की हेल्प तो डेफिनेटली लगेगी. लग रहा है ना गोवा रेडी एकदम. यू नो, यू शुड ट्राई गेटिंग अ मिस्ट्री बॉक्स मेड फ्रेंड्स एंड फैमिली से ऐसे ही, बिकॉज ऐसी चीजें मैं भी खुद के लिए ना ढूंढ पाती. चिकनकारी वर्क लग रहा है इस पे. कुर्ती है क्या? नहीं, गोवा के लिए कुर्ती थोड़ी लूंगी. हाँ, चू चू चू. देन इट शुड बी अ वन पीस, इट शुड बी अ ड्रेस. यस. ओ हॉट, एंड इट्स ब्लैक कलर.
ब्लैक कलर, एकदम वेरोमोडा स्टाइल है पता, लाइक आई हैव सीन सच स्टफ देयर। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा है बट इसकी नेकलाइन बहुत अच्छी है, लाइक विद अ डीप नेकलाइन नेकलेस बहुत अच्छा लगेगा एंड पीछे इलास्टिक है, वेरी पीची एंड वेरी कम्फी। इसकी लेंथ भी अच्छी है सो आई विल बी कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा लगा ये। और दीज पे लाइक मोर बीडेड इयररिंग्स, आई थिंक अभी मेरा ट्रेडमार्क बन गया है कि हेली को ऐसे कलरफुल बीडेड इयररिंग्स अच्छे लगते हैं, पर दो जोड़ी लग रही है, इसका शेप मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ओ दिस इज अ फ्लावर, ओ टू लेयर्ड है, ओ माय गॉड, अगेन वेरी बीची एंड दिस सेज बर्थडे क्वीन, ऐसा लग रहा है आज ही मेरा बर्थडे, बट वाओ अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैवंट सीन इन एनी अदर स्ट्रीट मार्केट। पुणे, व्हाट इज दिस कलेक्शन, यू बीट मुंबई एंड दिल्ली यूनिक स्टफ यार, ये भी 100 रुपए वाली है। एंड दिस इज वेरी वेरी लाइट, सिर्फ दिखने में बड़ी लग रही है बट बिल्कुल भी वेट नहीं है, तो आप पूरा दिन कितने भी घंटे पहनो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। डेफिनेटली टेकिंग दिस टू गोवा। दीज आर चप्पल्स, मुझे ना अंगूठा होता ना वो नहीं जमता है, लाइक इट हर्ट्स, सो आई होप दिस डजंट हैव दैट, या इट डजंट हैव दैट। जूट जैसा टेक्सचर है इधर एंड पर्ल्स लग रहे हैं इसके ऊपर, हे सीशेल्स है, दिस इज कम्प्लीटली गोवा वाइब्स। हाँ ओह इवन द फुटबेड इज नॉट नॉर्मली लेदर मटेरियल का आता है ना, और यहाँ पे भी बारीक वर्क किया हुआ है, सीक्वेंस है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, सुपर्ब। अगर गोवा की टिकटें नहीं निकली होती ना तो ये सब देख के पक्का लेना पड़ता, बिकॉज दिस इज पूरा बीच वाइब। ये तो रिबन, वो स्कूल में रिबन डालते थे ना बाल में, ये तो वो लग रहा है, बट इट्स अ बो एंड इट्स ह्यूज, आई लव वेयरिंग बोस। फर्स्ट टाइम मैंने बो पहनी थी लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे, मैंने वेट विद हिमानी एंड देन फिर लंदन से मैं एक हारी लाई थी। मुझे बोस पहनना बहुत अच्छा लगता है, गर्ली स्पेशल फेमिनिन, इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग एंड दिस कलर इज सो वर्सेटाइल, वाओ थैंक यू। अभी ये मेरा फेवरेट, गेस करने देते हाँ कि मम्मी बोलेगी तो आई विल फाइंड आउट। आई लव कि मम्मी ने एक तो सब इस्त्री करा के रखा है, लाइक दैट्स अ वेरी मम्मा वे थिंग, शी लव्स एकदम सब पर्टिकुलर। समझ नहीं आ रहा मुझे, दैट्स बटन वर्क तो समझ में आ रहा होगा, मतलब क्या है नीचे, तो यहाँ से तो पूरा प्लेन है, खोल दो टू डिफरेंट थिंग्स, दिस इज अ शॉर्ट्स एंड अ टॉप सेट, लाइक वो कॉर्ड सेट है। Oh, this is white, again a different color and इसमें भी वो crocheting है which is very Goa like and इसके साथ क्या है? Oh, it's a wrap around skirt. Oh, nice. You know, मुझे लगा मैंने almost lipstick लगा दी इसमें, thank god ये matte lipstick है। So why I love wrap around skirts is कि इसमें size wise का कोई मगजमारी नहीं होता, like it fits everybody and literally so साथ में था ये कैसे था? नहीं एक्चुअली मैंने ढूंढ के उसको कोट सेट बनाया है, सो स्कर्ट अलग था टॉप अलग था बट वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि साथ में ही था दोनों। वेरी ट्रू एंड इसके नीचे से जो बॉर्डर है दैट बिकम्स लाइक अ सी थ्रू बॉर्डर, क्योंकि उधर लाइनिंग नहीं है एंड ऊपर डबल लाइनिंग है अंदर से, बट इसमें फिर भी न्यूड लॉन्जरी ही पहनना पड़ेगा बिकॉज इट्स प्योर व्हाइट, बट दिस इज सो क्यूट। वेट वेट वेट, और उसके साथ में पहनने के लिए भी कुछ है, एवर रेडी, पायल है क्या ये? नहीं, बिकॉज दिस फील्स वेरी छोटो अगेन, दिस इज सेट ऑफ ब्रेसलेट्स, सो ये सभी एक साथ में पहनने, अलग अलग भी पहन सकते हैं, लाइक दिस जो ये सेटिंग वाले हैं, ये तुम एज अ पायल के तौर पे पहन सकते हो, यस यस, इसको छोटा बड़ा करके। एंड लुक एट दिस वन, इस पे कितने बड़े बड़े स्टोन्स है, A1 यार क्या चॉइस है, मल्टीपर्पज एक्सेसरीज, प्लास्टिक, बहुत ही कुशन कुशन सा कुछ तो है बट आई कांट टेल व्हाट दिस इज, इट्स अ क्यूट फ्लावर और एज वी कॉल इट फ्ला, इट्स अ वेरी क्यूट फ्ला, वाओ एंड इट कम्स विद अनदर बेरेट एंड क्लिप, बट मुझे फ्लावर ज्यादा पसंद आया कि इफ यू आर डूइंग लाइक एन अपडू ऐसे तो यहाँ पे बीच में अगर फ्लावर डाला पीछे है तो बैक फोटो जो आती है ना वो बहुत अच्छी आएगी, मतलब बो के तौर पे, लाइक बो के जगह ही डाल सकता ना, वेरी क्यूट एंड वेरी एस्थेटिक, वो पिंटरेस्ट वाइब है इसकी। सिंगल बैंगल लग रहा है, ये पूरा एक बड़ा कड़ा लग रहा है, दिस इज वेरी छोटू, मे बी छोटी इयररिंग्स हो सकती है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है। ओह दिस इज अ सेट, ये सिंपल आपको साइज देखने के लिए, और वो ही साइज की ये साड़ी है और उसी के साथ में सेम मैचिंग ये इयररिंग है। ओह
अच्छा बिकॉज नेकलेस एंड इयररिंग्स मुझे दोनों पहनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन टुडे आई एम जस्ट वेयरिंग इयररिंग्स, तो मैंने नेकलेस नहीं डाला. सो बैंगल्स एंड इयररिंग्स इज अ गुड कॉम्बो. व्हाट इज दिस? ओह, दीस आर छोटू इयररिंग्स. ये किसी और के साथ अलग से स्टाइल कर सकते हैं बिकॉज दे क्वाइट स्टेटमेंट एंड स्मॉल. बहुत प्यारा गोल्डन छोटी इयररिंग्स इज माय थिंग. लाइक डेली वेयर में भी मुझे वही पहनना अच्छा लगता है. अभी ये लास्ट क्लोथिंग आइटम है बट इस बार एक्सेसरीज इतने बॉम लिए कि आई एम नॉट कंप्लेनिंग. ओ दिस हैज स्लीव्स, दैट्स नाइस. और यहाँ पे कुछ तो टाई अप सा सिचुएशन है. इज दिस अ टॉप? नो, इट्स टू लॉन्ग फॉर अ टॉप. ए आई लव द कलर, लाइक ऑरेंज एंड येलो, ऐसे मुझे बहुत पॉजिटिव और एनर्जी वाले कलर्स लगते हैं. एंड बी आई थिंक इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी बिकॉज यहाँ पे पीछे इलास्टिक है एंड फ्रॉम लाइक द अंडर बस्ट जो वेस्ट एरिया है ना वहाँ पर एक अलग से पैनल दिया हुआ है. वाओ, एंड नीचे हल्की सी रफल है, लाइक द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ रफल. बहुत ही क्यूट ड्रेस है ये. आई लव दिस. थैंक यू. इज दिस वाज इट द लास्ट आइटम? नो, दिस वन मोर. ओके यस. ये बहुत डिफिकल्ट है गेस करना, करो, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद आई थिंक यही आएगा. इट्स इन अ केस, कुछ फोन चार्म जैसा है क्या, जैसे फोन पे लगाते ना बीट्स, वो भी बहुत. और सोचो दो चीज. हाँ, टू. सो इट्स नॉट दैट. नो, टूट गया है क्या? नहीं. सॉरी, ऐसा आवाज आ रहा है. तो घुंघरू जैसा आवाज है, कुछ पायल टाइप्स है? नहीं. आई लॉस्ट इट. लेट मी ओपन. हैरी पॉटर वॉट? This is the Elder Wand. This was Dumbledore's wand. It's a keychain. ये कहाँ से ढूंढ लिया पुणे में? वो भी street shopping में. मैं वजन भी कितना, like it's great quality. Yes. I love this. मैं London गई थी तो मैंने नहीं ली wand because वो 6,000 की थी उधर. This is the perfect last item because I love Harry Potter so 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 much. Thank you. Welcome. What a mystery box because इस बार जो मैंने accessories देखी especially वो magnetic hand bracelets and what not. एंड वो स्पेशल बर्थडे वाली इयररिंग, दैट्स समथिंग जो ऑनलाइन ई कॉमर्स पे भी मैंने नहीं देखा है. सो यू आर किल्ड इट विद द स्पेशलाइज्ड सिलेक्शन. सो मुझे अभी बताओ सबसे ज्यादा अच्छी चीज, तीन चीजें दिखाओ. ओके, टॉप थ्री इट इज डेफिनेटली बर्थडे क्वीन बिकॉज इतना पॉजिटिव, लाइक इतना स्पेशल फील करवाने वाला कोट है ये. These seashell flats because मैंने मुंबई में लाजोड़ी में भी नहीं देखे, which is like the place for boho footwear. And third की अगर बात करो, okay, again as usual I can't pick three. So it's a tie between the bracelets and of course I can't forget the Harry Potter keychain because it's something special to me and वो भी आप लोग ने ऐसा ढूंढा, so that's very emotional. And these bracelets are very unique. So these are like my top favorite items. But next city मैं आ रही हूँ Kolkata to do a mystery box. इस बार roles reverse होने वाले. इस बार मैं बनाऊंगी mystery box for you. हर महीने I'm gonna try to do a mystery box from a different city. तो comment करके बताओ कि Kolkata के बाद अगले महीने के लिए which city should I come to. But if you enjoyed watching this, then you know what to do. Give it a thumbs up and subscribe to the channel. If you didn't enjoy watching this video, please give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye. Bye.